नमस्कार, आप देख रहे हैं वीके न्यूज और मैं जस्ट उपाध्याय। हाल ही में कैलाश विजयवर्गीय के बेटे और इंदौर से बीजेपी विधायक आकाश विजयवर्गीय ने फिल्मी अंदाज में नगर निगम के अधिकारियों की बैठ से पिटाई की थी, जिसके बाद मामला कोर्ट में पहुंच गया था और आकाश को एक दिन की जेल की हवा भी खानी पड़ी थी। जब आकाश जमानत पर जेल से रिहा हुए तो भाजपा कार्यालय के बाहर कार्यकर्ताओं ने जश्न भी मनाया। इस दौरान फायरिंग भी की गई, जिसको लेकर अब पीएम मोदी काफी गुस्सा है। दरअसल इंदौर से बीजेपी के बैटमार विधायक आकाश विजयवर्गीय की हरकत पर पीएम मोदी ने बीजेपी की संसदीय दल की बैठक में बिना नाम लिए कड़ी नाराजगी जाहिर करते हुए एक बड़ी हिदायत दी है। पीएम मोदी ने बैठक में कहा है कि किसी का भी बेटा हो उसकी हरकत बर्दाश्त नहीं की जाएगी। जिन लोगों ने स्वागत किया है उन्हें पार्टी में रहने का हक नहीं है, सभी को पार्टी से निकाल देना चाहिए। इस मामले पर बीजेपी सांसद राजीव प्रताप रूडी ने बताया, कैलाश विजयवर्गीय के बेटे आकाश विजयवर्गीय की घटना के मामले में प्रधानमंत्री मोदी नाराज हैं। उन्होंने कहा है कि ऐसा व्यवहार अस्वीकार्य है, चाहे वो किसी का बेटा हो या फिर सांसद हो। अहंकार नहीं होना चाहिए, ठीक से व्यवहार करना चाहिए और ऐसे लोगों को पार्टी से बाहर का रास्ता दिखाना चाहिए। हालांकि प्रधानमंत्री ने कैलाश विजयवर्गीय और उनके बेटे का नाम नहीं लिया। दरअसल जिस संसदीय दल की बैठक में पीएम मोदी ने यह बयान दिया है उसमें आकाश के पिता और बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय भी शामिल थे। तो वही इस पूरे मामले पर कैलाश विजयवर्गीय ने अपने विधायक बेटे आकाश को कच्चा खिलाड़ी बताया है। कैलाश विजयवर्गीय ने कहा है, ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है, मुझे लगता है कि आकाश और नगर निगम के कमिश्नर दोनों पक्ष कच्चे खिलाड़ी हैं। ये एक बड़ा मुद्दा नहीं था लेकिन इसे बहुत बड़ा बना दिया गया। दरअसल इंदौर में नगर निगम का दल गंजी कंपाउंड क्षेत्र में एक जर्जर मकान को गिराने पहुंचा था। इसकी सूचना मिलने पर विधायक आकाश विजयवर्गीय मौके पर पहुंचे, जहां उनकी नगर निगम के कर्मचारियों से बहस हो गई। तभी आकाश विजयवर्गीय क्रिकेट का बल्ला लेकर फिल्मी अंदाज में नगर निगम के अधिकारियों पर दौड़ पड़े और विजयवर्गीय ने बल्ले से अफसरों की पिटाई की, जिसके बाद इस मामले में उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया और जेल में भी भेज दिया। हालांकि एक दिन बाद आकाश को जमानत भी मिल गई। जिस तरह से पीएम मोदी ने आकाश विजयवर्गीय की हरकत पर बिना नाम लिए गुस्सा जाहिर करते हुए एक बड़ी हिदायत दी है, उस पर आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स जरूर बताएं। देश और दुनिया की तमाम खबरों को पाने के लिए देखते रहिए वीके न्यूज़। शुक्रिया।